देवी माता के 52 शक्तिपीठों की पूरी लिस्ट जाने कहां से गिरे थे। माता सती के अंग कौन कौन से अंग कहां गिरे हैं और क्या नाम है उनका और वो स्थान कहां पर है, हम बारी बारी लिस्ट में आपको बतलाएंगे। और उससे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है इस 52 शक्तिपीठ क्यों हुए और कैसे हुए, क्या कारण था इसके पीछे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करते हैं। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता राजा दश की मर्जी के बिना भोलेनाथ से विवाह किया था। इस पर एक बार राजा दश ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना पिता के निमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई, जबकि भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। राजा दश ने माता सती के सामने उनके पति भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। जब पिता के मुंह से पति के अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। वह माता सती का शव लेकर शिव तांडव करने लगे और ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी, जिस पर विष्णु भगवान ने इसे रोकने के लिए सुदर्शन चक्र में माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माता के शरीर के अंग और आभूषण 52 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, जो शक्तिपीठ बन गए। वैसे तो 52 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूडामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन शक्तिपीठ के वास्तव में आने के पीछे एक खास वजह है। माता सती के इन्हीं शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि देवी के 52 शक्तिपीठ कहां कहां स्थित हैं और सभी शक्तिपीठ के क्या नाम है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मणिक कर्णिका घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ माता सती के कान गिरे थे। यहाँ माता के विशाल शी और मणिकर्णी स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 2, माता ललिता देवी शक्तिपीठ प्रयागराज इलाहाबाद स्थित। इस जगह पर माता सती के हाथ की उंगली गिरी थी, यहाँ माता ललिता के नाम से जानी जाती है। नंबर 3, रामगिरी चित्रकूट उत्तर प्रदेश में माता सती का दायां स्थान गिरा था। इस स्थान पर माता शिवानी के रूप में पूजनीय है। नंबर 4, वृंदावन में उमा शक्ति पीठ स्थित है, इसे कात्यायनी शक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ माता के बाल के कुंज और चूड़मणि गिरे थे। नंबर 5, देवी पाटन मंदिर बालमपुर में माता का बायां स्कंद गिरा था। इस शक्तिपीठ में माता मातेश्वरी के रूप में विराजमान है। नंबर 6, हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में देवी के 2 शक्तिपीठ हैं। इसमें से एक हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ है, जहां माता सती की कोहनी गिरी थी। वह रुद्र सागर तालाब के पश्चिमी तट पर स्थित है। नंबर 7, शौन देव नर्मदा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में अमरकटक में माता का दायां नितंब गिरा था, यानी कमर के पीछे वाला हिस्सा। नंबर 8, माता नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में शिवालिक पर्वत पर देवी सती की आंख गिरी थी, यहां माता देवी महेश मंदिर कही जाती है। नंबर 9, ज्वाला जी शक्तिपीठ हिमाचल के कांगड़ा में देवी की जीव गिरी थी, इस कारण इसका नाम सिद्धिता या अंबिका पड़ा था। नंबर 10, तिरपुर मालनी माता शक्तिपीठ, यहाँ पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन के पास माता का बायां सतर गिरा था, यानी पर्त यते। नंबर 11, अमरनाथ के पहलगाम कश्मीर में माता सती का गला गिरा था, वहां
महामाया की पूजा होती है। नंबर 12, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता के पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ माता का सरस्वती का शक्ति पीठ स्थित है। नंबर 13, मणिबंध अजमेर पुष्प कर्म में गायत्री पर्वत पर माता सती की दो पहुंचियां गिरी थी। यहाँ माता के गायत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नंबर 14, बीरात शक्तिपीठ राजस्थान में माता अंबिका का मंदिर है। यहाँ माता सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। नंबर 15, अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ गुजरात में माता अंबाजी का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ माता का हृदय गिरा था। नंबर 16, गुजरात के जूनागढ़ में देवी सती का आमाशय गिरा था। यहाँ माता को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 17, महाराष्ट्र के जन्मस्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। उसके बाद यहाँ देवी की ब्राह्मरी स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 18, माता बाड़ी पर्वत शिखर शक्तिपीठ त्रिपुरा में उदयपुर के राधा किशोरपुर गांव में है। इस स्थान पर माता का दायां पैर गिरा था। यहां माता को देवी त्रिपुर सुंदरी कहलाती है। नंबर 19, बंगाल में माता के सबसे अधिक शक्तिपीठ हैं। यहां पूर्व मोदीनपुर जिले के तामलुक स्थित विभाष में देवी कपालनी का मंदिर है। यहाँ माता की बाई एड़ी गिरी थी। नंबर 20, बंगाल के हुगली में रत्नावली में माता सती का दायां कंधा गिरा था। इस मंदिर में माता को देवी कुमारी नाम से पुकारा जाता है। नंबर 21, मुर्शिदाबाद के त्रिकोण ग्राम में देवी सती का मुकुट गिरा था। यहाँ माता का शक्तिपीठ है और माता के विमला स्वरूप की पूजा की जाती है। नंबर 22, जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल में सालबाड़ी गांव में माता का बायां पैर गिरा था। इस स्थान पर माता के ब्राह्मरी देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। नंबर 23, बहुला देवी शक्तिपीठ वर्धमान जिले के केतु ग्राम इलाके में माता सती का बायां हाथ गिरा था। नंबर 24, मंगल चंद्रिका माता शक्तिपीठ वर्धमान जिले के उजनी में माता सती का शक्तिपीठ है। यहां माता की दाई कलाई गिरी थी। नंबर 25, पश्चिम बंगाल के वरकेश्वर में देवी सती का ब्रह्मदेह गिरा था। इस स्थान पर माता को महेश मदनी कहा जाता है। नंबर 26, नलहाटी शक्तिपीठ बीरभूम में नलहाटी में माता के पैर की एड़ी गिरी थी। नंबर 27, फुलारा देवी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में अटरहास में माता सती के होंठ गिरे थे। यहाँ माता फुलहारा देवी कहलाती है। नंबर 28, नदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में माता सती का हार गिरा था। यहाँ माता नंदिनी की पूजा की जाती है। नंबर 29, युगांधा शक्तिपीठ वर्धमान जिले के ही श्री ग्राम में माता के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा था। इस स्थान पर माता का शक्तिपीठ बन गया था, जहां उन्हें देवी जुगांडिया के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 30, कलिका देवी शक्तिपीठ मान्यताओं के मुताबिक कालीघाट में माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहां माता कालिका के नाम से जानी जाती है। नंबर 31, काची देवगर्भ शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के काची में देवी की अस्थि गिरी थी। यहाँ माता देवगर्भ रूप में स्थापित है। नंबर 32,
भद्रकाली शक्तिपीठ। अब बात करें दक्षिण भारत में स्थित शक्तिपीठों की, तो तमिलनाडु में माता की पीठ गिरी थी। इस स्थान पर माता का कन्या आश्रम, भद्रकाली मंदिर और कुमारी मंदिर स्थित हैं। उन्हें शवणी नाम से पुकारा जाता है। नंबर 33, सूची शक्तिपीठ। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास सूची तीर्थ शिव मंदिर स्थित है। यहाँ भी माता का शक्तिपीठ है, जहाँ उनकी ऊपरी दाढ़ गिरी थी। माता को यहाँ नारायणी नाम मिला था। नंबर 34, विमला देवी शक्तिपीठ। उड़ीसा के उलक में देवी की नाभि गिरी थी। यहाँ माता विमला नाम से जानी जाती है। नंबर 35, सर्वशैल रामहेदरी शक्तिपीठ। इस स्थान पर भक्त माता के राकनी और विशेषरी स्वरूप की पूजा करते हैं। नंबर 36, श्री शैलम शक्तिपीठ। आराधे में ही दूसरी शक्तिपीठ कुरनूर जिले में है। श्री शैलम शक्तिपीठ में माता सती के दाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ माता श्री सुंदरी के नाम से स्थापित है। नंबर 37, कर्नाट शक्तिपीठ। कर्नाटक में देवी सती के दोनों कान गिरे थे। इस स्थान पर माता का जय दुर्गा स्वरूप पूजनीय है। नंबर 38, कामाख्या शक्तिपीठ। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गुवाहाटी के नीलातल पर्वत पर स्थित कामाख्या जी हैं। कामाख्या में माता के योनि गिरी थी। यहाँ माता के कामाख्या स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 39, माँ भद्रकाली देवी कूप मंदिर शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता का दायां टखना गिरा था। यहाँ माता भद्रकाली के स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 40, चटल भवानी शक्तिपीठ। बांग्लादेश में चिटागोंग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर चटल भवानी शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की दाई भुजा गिरी थी। नंबर 41, सुंगधा शक्तिपीठ। बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर माता की नासिका गिरी थी। इस शक्तिपीठ में माता को सुंगधा कहा जाता है। इस शक्तिपीठ का एक अन्य नाम उगरता शक्तिपीठ है। नंबर 42, जयंती शक्तिपीठ। बांग्लादेश के सिलहट जिले में जैतिया परगना में माता की दाई जांघ गिरी थी। यहाँ माता देवी जयंती नाम से स्थापित है। नंबर 43, श्री शैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ। बांग्लादेश के सिलहट जिले में माता सती का गला गिरा था। इस शक्तिपीठ में माँ लक्ष्मी स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 44, ऐशोऐश्वरी माता शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खुलना जिले में श्योर नाम की जगह है, जहां माँ सती की बाई हथेली गिरी थी। नंबर 45, इंद्राक्षी शक्तिपीठ। श्रीलंका के जाफना नलूर में देवी की पायल गिरी थी। इस शक्तिपीठ को इंद्राक्षी कहा जाता है। नंबर 46, गुहेश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल में पशुपति मंदिर से कुछ दूरी पर बागमती नदी के किनारे ये शक्तिपीठ है। यहाँ माँ सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ शक्ति में माँ माया की महाशीरा स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 47, अयोध्या शक्तिपीठ। नेपाल में मंडक नदी के पास आया शक्तिपीठ है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बाया गाल गिरा था। यहाँ माता के गंडकी चढ़ी स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 48, तत्काली शक्तिपीठ। नेपाल के विजयपुर गांव में माता सती के दांत गिरे थे। इस कारण इस शक्तिपीठ को दंतकाली शक्तिपीठ में नाम से जाना जाता है। नंबर 49, चिंतपूर्णी, चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे
छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है, अर्थात बिना सिर की देवी। यहाँ पर पवित्र पांव गिरे थे। नंबर 50, मनसा शक्ति पीठ। तिब्बत में मानसरोवर नदी के पास माता सती की दाई हथेली गिरी थी। यहाँ उन्हें माता दशयानी कहा जाता है। माता यहाँ एक शिला के स्वरूप में स्थापित है। नंबर 51, मिथिला शक्ति पीठ। भारत नेपाल सीमा पर माता सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ माता को देवी ओम नाम कहा जाता है। नंबर 52, हिंगोला शक्ति पीठ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी का हिंगोला शक्ति पीठ है। इस शक्ति पीठ में माता को हिंगलाज देवी में नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है ये कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था।